शिवपुरी जिले के खनियाधाना तहसील के अंतर्गत आने वाले काली पहाड़ी गांव का भोला भाला एक युवक अपनी शादी को लेकर परेशान था। दरअसल उसकी शादी नहीं हो रही थी और लंबे समय से वह कुंवारा था। इस बात को लेकर उसने कई लोगों से संपर्क किया। तभी उसके संपर्क में कुछ लोग आए जिन्होंने खुद को कानपुर की एक मैरिज ब्यूरो का कार्यकर्ता बताया। युवक को पूरा भरोसा दिया कि उसकी शादी वह जल्द ही करवा देंगे। बड़े बड़े ख्वाब शादी को लेकर दिखाए, फिर पहले मैरिज ब्यूरो में रजिस्ट्रेशन के नाम पर, फिर धीरे धीरे करके 90,000 रुपए पीड़ित युवक से ठग लिए और अब वह उसको न फोन लगा रहे हैं न ही फोन अटेंड कर रहे हैं। पीड़ित युवक ने अपने साथ हुई ठगी की शिकायत पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंच कर दर्ज कराई है। अपने आप बोले आपकी शादी हो गई, मैंने कही नहीं हुई, कही आप हमारी संस्था से करोगे मैरिज ब्यूरो से, मैंने कही हाँ कर लेंगे। फिर बोले कही 1500 रुपए रजिस्ट्रेशन की लगेंगे खाली। तो फिर उस समय तो 1500 डलवा के फिर शाम को कॉल आया कही 1300 डालो, कही आपका रजिस्ट्रेशन होगा। फिर इसके बाद में आधार कार्ड मांगा, आधार कार्ड मांगने के बाद फिर बोले कही 2200 रुपये और डाल, कही आपकी फाइल बनेगी कोर्ट से। फिर ऐसा ही करके कही स्टाम्प लगेगा 6500 डालो, जज मांग रहा है कहीं 7000 रुपये, आपकी फाइल में लॉक डाला है दूसरी संस्था में आपने बात की होगी तो 9000 डालो। फिर बोली होटल की बुकिंग करो 13000 डालो, ऐसा ही कर करके पूरा 91,700 रुपये हो गए। 91,700 रुपये तो खाली एक रसीद आई थी लाल, इसमें लिखा है पलक मैरिज ब्यूरो, पलक ड्रीम मैरिज ब्यूरो, संचालक का नाम नहीं है। हाँ 1500 रुपये लिखे हैं। तो थाने में रिपोर्ट हमने 2 फरवरी से कार्यवाही चालू की है। लड़की का पोटी आया था। हाँ तो बोली और पैसे दो जब हम साथ 6500 रुपये 6500 के 65,000 6500 अच्छा फिर दिए आपने? नहीं दिए हमने। हाँ बोले कही हम पलक मैरिज कानपुर से बोले, कानपुर से। हाँ तो बोले और पैसा दो जब कराएंगे शादी। और मैंने बोला कि पैसा वापस दे दो मेरा, तो बोले कही आपके तो उसमें लगे हैं काम में, हम क्यों दे दें। कॉल आया था 2 जनवरी को। हाँ इसके बाद 28 तारीख को उन्होंने मीटिंग फेस कर दी थी। मीटिंग फेस करने के बाद जैसे ही 22, 23, 24 तारीख हुई तो बोली गई लड़की हमसे बात नहीं करती, आपसे बात करती है, इसीलिए हम उसके नंबर पे ब्लॉक कर रहे हैं, नंबर ब्लॉक, ना आपसे बात कर पाएगी ना कुछ, जब तक 6500 रुपये नहीं दोगे। हाँ ये दिन में कभी एक दो बार बात करती, उन्होंने ही बताया था कि सोनम नाम लड़की, सोनम भी वो भी बताती थी लड़की की। उसने पैसे की मांग नहीं की थी, वो बोली कि मेरा मोबाइल ख़राब है मोबाइल के लिए पैसे डाले, मैंने कही ऐसे नहीं आगे मोबाइल के लिए। हाँ मिले, मैंने कही मैं आ रहा हूँ मिलने, वहीं ले लेना फोन। फिर तो बोली ऐसे नहीं मिल पाएंगे, उन्हीं के सामने मिलेंगे जब वो आएंगे, मैडम आएगी जब। बोले कही स्क्रीन शॉट और मिल जाओ, कार्रवाई होगी। हाँ आवेदन दिया है, थाना कौन सा है? कलाम है और खनियाधानी क्या आपने? हाँ वहाँ से कोई वो बोले कि शिवपुरी से हो सकती है, यहाँ से कुछ नहीं, काली पहाड़ी ये चंदेरी के पास में। पैसा वापस मिल जाए हमारा और क्या चाहते, प्रमोद पूरी नहीं हुई तो आप उस नंबर पर फिर नहीं लगाया, पुलिस वालों ने मना कर दिया था कि अब आप कॉल मत लगाना कुछ खनियाधानी वालों। शिवपुरी से कुलदीप गुप्ता की रिपोर्ट।